हे hey, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ओशन ऑफ टेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों को एक अमेजिंग वीडियो प्लेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि आप किसी भी वीडियो को 360 डिग्री पे देख सकते हैं या फिर VR थिएटर मोड में भी देख सकते हैं। सो गाइस, अगर आप उस एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इस प्लेयर का नाम है गोम प्लेयर, जो कि इजिली आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा गोम प्लेयर लिखते ही। और गाइज, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे लास्ट प्लेड वीडियो और माई स्टोरेज की बात करें तो आपके फोन के स्टोरेज में कहाँ कहाँ पे वीडियो किस किस फोल्डर के अंदर है वो सारे जो अपडेट होकर के यहाँ पर आ जाएंगे, जिससे कि आप अपने अकॉर्डिंग रीनेम कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और उसकी पूरी डिटेल भी निकाल सकते हैं। और गाइज, यहाँ पे बात करें अगर फेवरेट लिस्ट की, सो गाइज आप वीडियो को देखते समय किसी पे भी ये हर्ट को टच करके इसे फेवरेट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और गाइज यहाँ पे आपको वो फेवरेट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। और अगर बात करें 360 डिग्री वीडियो की, तो गाइज अगर आपके फोन में 360 डिग्री वीडियो नहीं होगी तो ये डायरेक्टली जो आपको ऑनलाइन वीडियो पे सेंड कर देगा, ऑनलाइन वीडियो आपके सामने सर्च करके ला देगा। और गाइज आप यहाँ पे जायरो सेंसर की मदद से 360 वीडियो इसी एप्लीकेशन के अंदर, इसी प्लेयर के अंदर जो है देख पाएंगे। और गाइज अगर वी थिएटर मोड की बात करें तो गाइज थिएटर मोड भी है इसके अंदर, जिससे कि थिएटर मोड में आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएंगे या फिर किसी भी वीडियो को थिएटर मोड में देख पाएंगे। और गाइज यहाँ पे देख लीजिए आप किस प्रकार ये थिएटर मोड जो है ओपन हो रखा है और इस तरीके से जो आपको यहाँ पे वीडियो शो होगी थिएटर मोड में। सो गाइज अगर आपके पास वो है तो आप लगा करके इसे देख सकते हैं। और गाइज अगर ड्रॉप बॉक्स की बात करें तो गाइज डायरेक्टली अगर आप इसे लिंक कर देंगे डायरेक्ट ड्रॉप बॉक्स से, गूगल ड्राइव से, तो गाइज ये गूगल ड्राइव की वीडियो को भी यहाँ पर ईजिली प्ले कर देगा। और फिर गाइज सेटिंग्स की बात करें तो सेटिंग्स तो बेसिक सी सेटिंग्स है, सेलुलर डेटा इनेबल रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते, रिज्यूम सेटिंग, पोस्ट प्लेबैक, एक्शन सीक, इंटरवल और गाइज यूज़र एक्सटर्नल कोडेक्स। सो गाइज ये सारी बेसिक सी सेटिंग्स है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। सो गाइज अगर आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, अगर आपको फास्ट फॉरवर्ड सीन नहीं रखना है तो नहीं रख सकते। और गाइज चलिए प्लेयर की ओर बढ़ते हैं, एक वीडियो को मैंने यहाँ पर प्ले कर दिया है। और गाइज यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे डबल टैप करेंगे तो आप यहाँ पे इजीली जो है स्क्रीनशॉट भी ले पाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए स्क्रीनशॉट सेव्ड। और फिर गाइज मैं आपको और भी इसके एक करके सारे फीचर्स के बारे में बताता हूँ। ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्लीपर टाइमर का, जिससे कि आप अपने अकॉर्डिंग स्लीपर टाइमर सेट कर सकते हैं। सेलेक्ट डिकॉर्डर, एस डब्ल्यू डिकॉर्डर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पर आप उस फाइल की पूरी डिटेल, उस पर्टिकुलर वीडियो की पूरी डिटेल भी देख सकते हैं वीडियो को देखते हुए। और फिर गाइज अगर बात करें और भी सेटिंग्स की, तो गाइज यहाँ पर आपको एक लॉक, वीडियो को लॉक कर सकते हैं आप यहां से, जिससे कि लॉक करने के बाद कोई भी कहीं पे भी टच करेगा तो कुछ भी काम नहीं करेगा। और फिर गाइस एक ऐड सेक्शन का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिससे कि आप टाइम सेट कर सकते हैं कि यहां से यहां तक वीडियो रिपीट होते रहे, उस तरीके के आप सेक्शन जो है यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। और फिर गाइस यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग वर्टिकली हॉरिजॉन्टली वीडियो को सेट कर सकते हैं, जैसा आप देखना चाहते हो। और गाइस यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर किसी भी वीडियो को थिएटर मोड में प्ले कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो वीडियो 360 डिग्री वाली हो या ना हो, आप यहाँ पे उसे इजिली थिएटर मोड में प्ले कर सकते हैं, 360 मोड में प्ले कर सकते हैं। और गाइज यहाँ से आप जो है इसके पैनल को भी यूज़ कर पाएंगे, आपको म्यूज़िक बढ़ाना है तो साउंड वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो गाइज म्यूज़िक बढ़ जाएगा और म्यूज़िक घट भी जाएगा। सो गाइज अगर यहाँ पर चलिए करते हैं बैक और फिर एक और बार वीडियो को प्ले करके आप 360 डिग्री वाले एंगल का नज़ारा ले लेते हैं। तो सिंपली गाइज यहाँ पे अब आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे 360 डिग्री को इनेबल करके आपको बता दूँ। चलिए मैं आप बताया तो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड स्लाइड करके जो है ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, राइट हैंड से वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, जो कि नॉर्मल सारे वीडियो प्लेयर में अवेलेबल है। और फिर गाइज यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ 360 डिग्री में वीडियो प्ले करके। सो गाइज यहाँ पे जो मैंने वीडियो प्ले करी है ये 360 डिग्री में वीडियो को देख रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जिधर जिधर आप अपने फ़ोन को रोटेट करेंगे उधर का हिस्सा आपको दिखता जाएगा। अगर आप प्रॉपर वे में उसे वर्क नहीं कर पा रहे, यूज़ नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर आपको एक टैब भी मिल जाता है, जिससे कि आप अपने अकॉर्डिंग वीडियो को जो है आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर आप जायरो सेंसर को सही प्रॉपर वे में यूज़ नहीं करना आता आपको या फिर आप यूज़ नहीं कर पा रहे, सो गाइज आप इसकी मदद से भी जो है वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया 360 डिग्री। और फिर और भी मैं कुछ आपको इसके फीचर्स के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए ये वीडियो यहाँ पर प्ले अगेन हो रही है। और गाइस सेटिंग्स की बात करें यहाँ पे, तो गाइस यहाँ पे आप जो है इसे डिस्प्ले पॉपअप भी लगा सकते हैं, लाइक किसी और एप्लीकेशन को यूज़ करते समय भी आप वीडियो को देख सकते हैं, चाहे आप व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हो या फिर कुछ भी यूज़ कर रहे हो, इसका जो है एक पॉपअप बन जाएगा और आप ईज़िली जो है यहाँ पर वीडियो को देख पाएंगे। और फिर गाइज अगर स्क्रीन सेटिंग की बात करें, तो गाइज यहाँ पे मिरर इफेक्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि इसमें बिल्कुल ही मिरर इफेक्ट दे देगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए सब कुछ आपको उल्टा सा दिख रहा होगा। सो गाइज ये मिरर इफेक्ट है जो कि आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इस एप्लीकेशन में किसी भी वीडियो के साथ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और गाइज रेशियो भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, कितने रेशियो में आपको जो है वीडियो को देखनी है। तो चलिए दोस्तों, और भी मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। खैर ये तो मिरर मोड है,
जिसको कि आप इनेबल करना चाहते हैं इनेबल कर दीजिए। अगर वाइज ऑडियो की बात करें तो गाइज ये SW डिकॉर्डर सपोर्ट नहीं करता है, एक्चुअली जो वीडियो प्ले हो रही है ये सपोर्ट नहीं करता। और गाइज यहाँ पे आप प्लेबैक स्पीड भी जो बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो गाइज 2.0 तक बढ़ता है और 1.0 तक जो नॉर्मल होता है और 0.1 तक जो है बिल्कुल ही स्लो हो जाता है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। और गाइज डिस्प्ले गाइड की बात करें तो गाइज अगर आपको इस एप्लीकेशन को प्रॉपर वे में यूज़ नहीं करना है तो गाइज डिस्प्ले गाइड की मदद लेकर के आप यहाँ पे इसके सारे फीचर्स को जान सकते हैं, कौन सा बटन क्या काम करता है, कहाँ से आपको क्या यूज़ कर पाओगे, किस तरीके से आप यूज़ कर पाओगे। सो गाइज यहाँ से आप फोल्डर की पूरी डिटेल निकाल सकते हो। और गाइज एडिट की बात करें तो गाइज यहाँ से आप डायरेक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है मूव कर सकते हैं डायरेक्टली SD कार्ड के अंदर जा करके। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे फाइल मैनेजर के अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, डायरेक्टली आप यहीं से मूव कर सकते हैं। और गाइज शॉर्ट बाय की बात करें तो गाइज यहाँ पे आप एज अ डेट और एज अ साइज शॉर्ट बाय यहाँ पर इसे कर सकते हैं। और फिर गाइज अगर बात करें और भी सेटिंग्स की तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, शो लिस्ट में शो करना चाहते हैं, ग्रिड में शो करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए जैसे मर्जी आप यहाँ पे इसे शो करना चाहते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है। सो गाइज कुछ इस प्रकार का था हमारी ये प्रकार की थी हमारी ये वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, गाइज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।